Welcome you all once again, myself Pranshu Kumar Pathak, and in this particular session we will understand a very important topic and as well as the impact of biochemistry. Guys, as we know that biochemistry is very important and very, you know, fantastic topic to understand. So let's start with a very important disorder that is called androgen insensitivity syndrome, and before going into that we will understand the how a hormone and how a single enzyme can impact all on these. Okay, so पहले हम जानते हैं कि एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम होता क्या है. ठीक है, तो एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम जो है जिसे AIS कहते हैं, दो टाइप का होता है, एक कॉम्प्लीट और एक इनकम्प्लीट. तो दोनों में डिफरेंसेज ही बताएंगे और दोनों के मतलब भी आपको हम समझाएंगे. ठीक है, व्हेन ए पर्सन हु जेनेटिकली मेल, मतलब कि हम जब सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो एक सेक्स को फीमेल बोलते हैं और एक्स वाई को मेल बोलते हैं. ठीक है, तो जेनेटिकली वो मेल होता है बिकॉज द जीनोटाइप, द कैरियोटाइपिक जो आप देखेंगे, कैरियोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल, दैट इज द एक्स एंड वाई बोथ क्रोमोजोम, बट रेजिस्टेंट टू मेल हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन. एंड्रोजन ही डिवाइड होकर के एस्ट्रोजन में भी बदलता है और टेस्टोस्टेरोन में बदलता है. इसलिए देखते होंगे कि द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इज रिलेटिवली प्रेजेंट इन बोथ इंडिविजुअल, वेदर इट इज मेल और फीमेल. और इसी का खेल पूरा है, इस जो डिजॉर्डर है इसमें पूरा इसी एक हार्मोन का खेल है, इसी प्ले है. ठीक है, एज अ रिजल्ट पर्सन हैज सम फिजिकल ट्रेट्स ऑफ वुमेन बट जेनेटिक मेकअप उसका मेल का होगा. और ये जो है वो इनकम्प्लीट, हम AIS की बात कर रहे हैं, कम्प्लीट में वो फिनोटिपिकली फीमेल दिखेगी. और जो भी होगा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे क्या राज है और ये कैसे कंट्रोल होता है, इसके पूरा हम लोग बायोकेमिस्ट्री लेवल पे और मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं आज. ठीक है, सो डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज और यूटिलाइज. तो आपको दिमाग में दो चीज़ें बहुत याद रखना है, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में भी खास करके दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रिग्नेनोन एंड प्रोगेस्टेरोन. इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, लेकिन प्रोगेस्टेरोन तो आप अक्सर सुने होंगे कि प्रोगेस्टेरोन इज ए फीमेल हार्मोन. सो दिस टू हार्मोन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन प्रेजेंट इन ए इंडिविजुअल लाइक ह्यूमन. हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं. ठीक है, देयर बायोसिंथेसिस बिगिन विथ ए डेस्मोलेज रिएक्शन. तो ये डेस्मोलेज कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, विच कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू द प्रिग्नेनोन. ठीक है, डेस्मोलेज जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल टिश्यू में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं. जो बेसिकली इनके दो प्लेसेज होते हैं, या तो गोनाइड में या तो एड्रेनल ग्लैंड्स में. एड्रेनल ग्लैंड में बनाता है तो कॉर्टिसोल वगैरह बनाता है जो फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बनाता है, और गोनाइड्स में बनाता है जो कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और अदर चीज़ों को डिसाइड. ठीक है, इतना समझ में आया. और इसमें हाइड्रोक्सिलेज और साइटोक्रोम P450 की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेसिकली इन सारे हार्मोन के सिंथेसिस में. ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे. तो एक पर्टिकुलर चार्ट है, आपको ज़्यादा इसको मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊँगा, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है, ये क्या है, IPP है. किसी भी स्टेरॉयड हार्मोन का जो सबसे इनिशियल प्रिकर्सर है वो क्या है, आइसोपेंटाइन पायरोफॉस्फेट से रिलेटेड, पांच कार्बन से रिलेटेड ही कोई भी चलेगा. ठीक है, तो यह है आइसोकॉर्पिक एल्डिहाइड, वहाँ से रिएक्शन शुरू होगा और एक कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल में एक रिएक्शन होगा, डिस्मोलेज रिएक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल टिश्यूज करेंगे. फिर वह प्रोग्नेनोन में बदलेगा और ये इंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होते हुए प्रोगेस्टेरोन में कन्वर्ट होगा. अब यहाँ ये जो प्रोगेस्टेरोन है इसके फेट्स बदलेंगे, ये एल्डोस्टेरोन बनाएगा, कॉर्टिसोल बनाएगा, है ना, ये कहाँ बनाएगा, एड्रिनल टिश्यूज में, है ना, और ये जाकर के टेस्टोस्टेरोन और ये सारे जो जो हार्मोन है वो गोनाइड में बनेगा. समझ में आया. तो ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्या है, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये सारे रिएक्शंस होंगे और क्या बनाएंगे. ठीक है, अब बात क्या उठती है, मेजर वो आपको क्या करना है, ICMR के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे हार्मोन्स को अच्छे से देखें और कोशिश करें इनके बारे में
अलग से पढ़ें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड ओनली. ओके सो डियर फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपको एक बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज बता रहा हूँ, नीमेन पिक टाइप सी डिजीज. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे ये इरेलीवेंट टॉपिक है, मगर ये जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको दिया जाए. यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं. अब मेन मुद्दा क्या है कि ये डिजीज होता क्यों, तो आपको अभी भी मैंने बताया कि ये सारा एक इंजाइम का खेल है और इंजाइम का नाम है एरोमेटेज. एरोमेटेज क्या करता है, एरोमेटेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इस्ट्रोजन सिंथेटेज और इस्ट्रोजन सिंथेज, मतलब कि यह इस्ट्रोजन बनाने वाला एक इंजाइम है जो कि की स्टेप है फॉर इस्ट्रोजन बायोसिंथेसिस. ठीक है, अब है एरोमेटेज इज लोकलाइज्ड इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर इट रेगुलेटेड बाय ए टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर दैट आर टर्न टू बी कंट्रोल्ड बाय हार्मोन दैट इज साइटोकाइन एंड अदर फैक्टर्स. एरोमेटेज एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंजाइम है जो कि स्पेसिफिकली टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन करता है और खास करके हार्मोन साइटोकाइन और अदर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब क्या है कि जो एंड्रोजेंस होते हैं उसे हमें कन्वर्ट करना होता है इस्ट्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन में. ठीक है, तो एंड्रोजिन क्या हुआ, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हुआ और उससे दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक टेस्टोस्टेरोन बनेगा और एक इस्ट्रोजिन बनेगा. यानी कि एंड्रोजिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. समझ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको कि एंड्रोजिन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो वो टेस्टोस्टेरोन भी बनाएगा और एस्ट्रोजन भी बनाएगा. क्लियर है, दिस स्टेप इंक्लूड 3 सक्सेसिव हाइड्रोक्सिलेशन, 3 बार हाइड्रोक्सिलेशन होता है और 19 मिथाइल ग्रुप जो होता है जो रिंग ए पे होता है उसको हम इलिमिनेट करते हैं. मतलब क्या हुआ कि आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है. ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो कार्बन है इसे हम कहते हैं 19 मिथाइल ग्रुप. ठीक है, यह मिथाइल ग्रुप को हमें हटाना होता है तो कि वो क्या बने, टेस्टोस्टेरोन से इस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो. ठीक है, तो ये जो ए रिंग है इसमें कितने रिंग है, ए बी सी एंड डी. सो ए रिंग पर जो आप मिथाइल ग्रुप देख रहे हैं वो यहाँ पे गायब हो गया. ठीक है, सो दिस इज रियली वेरी इल्यूमिनेशन रिएक्शन दैट इज एरोमेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम एंड की स्टेप्स for removal of that methyl group from the 19th position of the ring A. So dear friend, it is very important enzyme to control all the key steps between male and female. आप सोचो कि ये कितनी बड़ी, मतलब एक इंसान के साथ जाती होती है जब यह मिथाइल ग्रुप में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है और यही डिजीज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. सोचो एक मिथाइल CH3 कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर कर सकता है, इसका हम उदाहरण आपके सामने लेकर के आए हैं. ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं. आपको भी पता है कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्या हैं, क्रोमोजोम्स हैं, जिसमें 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोजोम्स हैं और एक पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है, दैट इज XX एंड XY. ठीक है, XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल. ठीक है, सो जब हम बात करते हैं AIS की, ठीक है, ये जो सिंड्रोम है एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम, दैट इज मे बी इट्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट को हम रेफेंस्टीन सिंड्रोम भी बोलते हैं. ठीक है, और जो कंप्लीट है इसको हम टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी कहते हैं. ये दूसरा नाम है, दिस इज कॉल्ड एज द निमोनिक नेम, अदर नेम ऑफ द कंप्लीट AIS. हम यहाँ LGBT कम्युनिटी क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको हम आगे भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक, मतलब कि भेदभाव है. आप जब बाथरूम जाते हो तो कभी ही और सी के अलावा कुछ और मिलता है, मेल और फीमेल के अलावा और कुछ मिलता है? आप सोचो कि ट्रांसजेंडर है वो कहाँ जाएगा, ना तो उसके लिए मेल है ना फीमेल है. तो ये जो साइंटिफिक जो सोशल इम्पैक्ट है, सोसाइटी की जो इम्पैक्ट है, अभी भी जो सोच है वो बहुत बदलने की ज़रूरत है. उनको कहाँ भेजें, उनके लिए कौन सा रास्ता है? तो इसीलिए इस पॉइंट को लेके आए, क्योंकि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है. नो बडी नो कि जो आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसको AIS है या नहीं है. AIS है तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे लेके आए और आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है.
और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है कि आप कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट अभी भी इन लोगों को नहीं करती है। तो हम इनको कैसे एक्सेप्ट करें और हमारी सोच बदलनी चाहिए, इसीलिए हम ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। व्हाट आर एंड्रोजिन्स? तो एंड्रोजिन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल फीचर्स और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो डियर गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि AIs के जो पेशेंट्स होते हैं उनके क्या की सिम्टम्स होते हैं। उनको अगर वो बिल्कुल फीमेल हैं, फीमेल की तरह दिख रहे हैं, अगर कंप्लीट AIs है तो उनके पास यूटेरिस नहीं होगा, उनके पास कोई हेयर नहीं होगा, चाहे वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के जो हेयर्स हैं, जैसे कि स्किन के हेयर्स, जेनेटिला के हेयर्स और भी जगह के जो भी जहाँ हेयर्स, नो हेयर्स, मतलब बाल होंगे, सर के बाल होंगे, उसके अलावा कोई बाल नहीं होंगे। इसका मतलब वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। लार्जर ब्रिस्ट इन द कंपेरिजन टू द नॉर्मल फीमेल, और इनमें पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी पीरियड्स नहीं आएंगे तो इसके क्या मतलब हुए कि पीरियड्स नहीं होंगे, यूटेरस नहीं होंगे, तो वो कभी भी लाइफ में मदर नहीं बन सकती है और दे कांट कंसीव ए बेबी। सो द की फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल जो कंप्लीट AIs सिंड्रोम से है, उसे पता तक नहीं चलता कि वो मेल है कि फीमेल है कि क्या है। जब उसे मेंसेस नहीं आते, जब वो डॉक्टर्स के पास जाती है, तब उसे पता चलता है आई एम सफरिंग फ्रॉम कंप्लीट AIs। सो क्वेश्चन ऑन देयर आइडेंटिटी, वो हैं क्या, मेल है फीमेल है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है सिर्फ दो चॉइसेस हमें दी हैं, वेदर यू आर मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको अभी भी हमारे सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा पहचान नहीं मिला है। 2019 में ये एक्ट नहीं लाना पड़ता, ठीक है, जो आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सुने होंगे, है ना। तो दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज, जैसे जो लोग हैं उसे आप वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं कम्युनिटी को, हमारी सोच बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और बात करते हैं कंप्लीट AIs। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जीनोटिपिकली जो ये पर्सन होंगे एक्स वाई क्रोमोजोम को कंटेन करेंगे, तो जीनोटिपिकली वो मेल होंगे, ठीक है। और एंड्रोजिन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम करने का मतलब एंड्रोजिन की फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। टेस्टिस मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, और प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, इंट्रा एबडोमिनल होगा, बायलैटरल टेस्टिस होगा, और ये जो टेस्टिस होगा वो डिसेंडेंट होगा, इसीलिए क्या होगा, इस प्रॉब्लम क्या होगी कि मैलिग्नेंसी यानी कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यानी कंप्लीट AIs पेशेंट्स के पास अगर टेस्टिस है तो यू हैव टू रिमूव, आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट स्लाइड टू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज, बिकॉज यू हैव टू नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फंक्शनलिटी ऑफ एंड्रोजिन इज गेट अबॉलिस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। एंड्रोजिन होता है, ऐसा नहीं कि एंड्रोजिन नहीं होता है, होता है, तभी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहा है, मगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है। प्रॉपर फंक्शन ना करने के कारण एंड्रोजिन की जो फंक्शनैलिटी है वो अबॉलिश हो गई। वेरी ब्यूटीफुल फीमेल यू कैन सी, और लेकिन वो अंदर से क्या होगा, वो मेल होगा, ठीक है। वो बाहर से देखने में फीमेल है मगर वो अंदर से मेल है, बिकॉज उसकी जो जीनोटाइप है वो क्या है, एक्स वाई है। तो हम किसी के बाहरी एक्सपीरियंस के, एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम किसी भी इंसान को नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, उसके चॉइसेस भी मैटर करते हैं। और जैसे जो लोग हैं आप वैसे उन लोगों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए और अपने दिमाग को ट्रेंड कीजिए कि नहीं, सोसाइटी में सिर्फ मेल और फीमेल नहीं है, और भी कई तरह के लोग हो सकते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और यह एक मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इस पर हम ट्रस्ट करें और उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। हम बार बार इस चीज़ को, सेंटेंस को दोहरा रहे हैं। अब जब टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेरोटोनिन सेल, एक होता है लिडिक सेल, ठीक है। तो सेरोटोनिन सेल का से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मुलेरियन डक्ट को बनने नहीं देता है, और इसके कारण क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट जब नहीं बनेगा तो यूटेरिस, फिलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और अपर विजाइना नहीं बनेगा, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, नो मुलेरियन डक्ट विल बी देयर, सो नो फीमेल पार्ट्स विल डेवलप। समझ में आया? अब बात आइए लिडिक सेल पे। लिडिक सेल्स जो होते हैं वो एंड्रोजिन प्रोड्यूस कराते हैं, एक हार्मोन है, मैंने ऑलरेडी बताया। ये एंड्रोजन क्या होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, और एरोमेटेज कैसे एक्शन करते हैं वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन अगर नॉट एबल टू एक्ट, वो काम नहीं करेगा, तो
तो क्या होगा, एंड्रोजन जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, नो सेमेन वेसाइकल, नो एपिडिडमिस, एग्जैकुलेटरी सिस्टम्स नहीं बन पाएंगे और नो एंड्रोजेनिक हेयर्स, मतलब नो हेयर इज प्रेजेंट, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो भी हेयर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब है कन्वर्जन इनटू द एस्ट्रोजन, मैंने अभी अभी बताया कि एंड्रोजन कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन में बदल सकता है, बदलने वाला एंजाइम क्या है, एरोमेटेज, कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर एस्ट्रोजन होगा तो क्या होगा, ब्रिस्ट डेवलप करेगा और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में फेमाइन कैरेक्टर अच्छे से स्टैब्लिश होगा लेकिन ए फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो एक साइकोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, या ये सिंड्रोम अगर किसी को हो गया तो उसमें क्या होगा, सपोज उसको कंप्लीट AIS है तो वो क्या होगी, बच्चे की तरह दिखेगी, बिल्कुल गर्ल चाइल्ड की तरह वो डेवलप होगी। जब वो 15 to 16 जैसी पुबर्टी को रीच करेगी उसे मेंसेस नहीं होंगे, तो किसी भी लड़की को, अगर किसी भी गर्ल चाइल्ड को अगर मेंसेस नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेगी, डॉक्टर से सलाह लेगी, पूछेगी क्या दिक्कत, तब ये पता चलेगा कि सी इज सफरिंग फ्रॉम AIS। सोचिए उस बच्चे के साथ कितनी बड़ी जाति है जिसे पता तक नहीं है, उसे लग रहा है क्योंकि सारी चीज़ें वो अपने आप को एक लड़की मान रही है बट वो लड़की है ही नहीं, सोचिए उसके साथ कितना बड़ा एक मजाक है, इसको समझने की कोशिश करनी, ठीक है। सो फीमेल जेनेटिला डेवलपमेंट इज परफॉर्म, फीमेल की तरह वो एक्चुअली डेवलप होगी और सारे जो फिजिकल अपीयरेंस वो फीमेल के होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे, खास करके हेयर्स ना होंगे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप होंगी। अब साइकोलॉजिकली वो लड़की क्या सोच रही है, आई एम अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, सी इज अ फीमेल, बट सी कांट मेंस्ट्रुएट, सी डोंट हैव यूटेरस, सी कांट ओवुलेट, एग्स नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें एक्स वाई जीनोटाइप, साइकोलॉजिकली वो सोच रही है हम फीमेल हैं, ठीक है, और ये बहुत ब्यूटीफुल फीमेल होगी लेकिन उसके पास प्रॉब्लम क्या होगा, वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगी और सी कांट कंसीव ए बेबी। तो अगर इस तरह के लोगों को जीना है तो आज के संसार में, आज के मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट के थ्रू हम इनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ये अपनी ज़िंदगी बेहतर बना के रह सकते हैं किसी के साथ। तो सबसे पहली बात क्या है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस है उनके अंदर से रिमूव कर दिया जाए क्योंकि वो मैलेग्नेंसी के चांस का सोर्स है, वो मैलेग्नेंसी होगा तो कैंसर डेवलप करेगा, तो सबसे पहले वो जो इसकी ज़रूरत नहीं है उस ऑर्गन को आप हटा दो, तो आपका ट्रीटमेंट में पहला काम है रिमूव कीजिए टेस्टिस को। दूसरा क्या है कि आपने टेस्टिस रिमूव कर दिया तो जो एंड्रोजन का सोर्स है वो ख़त्म हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रोजन पिल्स लेना पड़ेगा और एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी एस्ट्रोजन की, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सके। एक है विजेनोप्लास्टी, वो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू अपनी विजाइना को और भी जो ऑर्गन्स हैं उसे अच्छे से वेल एस्टैब्लिश करके एक अच्छे तरह से फीमेल बन सकती है, बट द प्रॉब्लम इज शी कांट कंसीव ए बेबी। सो ए हुआ AIS, ठीक है, और ये सिम्टम्स मैंने आपको ऑलरेडी कहा, अब बताओ कि ये क्वेश्चन है कि नहीं, उनके आइडेंटिटी पे एक बहुत बड़ा मार्क है, आपको सोचना पड़ेगा आप वैसे लोगों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आर्टिकल 377 को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया गया और 2019 में एक बहुत ही एक्ट बनाया गया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस टॉपिक में मुझे बस इतना कहना था कि जो लोग जैसे हैं आप उनको वैसे ही प्यार दीजिए, उन पर क्वेश्चन मत उठाइए, उनके जेंडर पर क्वेश्चन मत उठाइए, उनके कास्ट पर मत उठाइए, अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने कोशिश की है कि बायोलॉजिकली इस चीज़ों को मैं अच्छे से आपके सामने लेके आऊँ और समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, बाय, टेक केयर।